पढ़ाई बंद ना करें दोस्तों, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर आपको रिटर्न देता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल AstroRB में। साथियों, आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो बहुत खास होने वाला है आपके लिए, यानी मीन राशि वालों के लिए। ये जो प्रोग्राम है साथियों, इसमें मैं आपको मंथली राशिफल नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको बताऊंगा कि आपका लक कैसा रहेगा और सबसे बड़ी बात कि आपका कौन से फील्ड में भविष्य बनेगा, करियर कौन से क्षेत्र में बनेगा आपका। दूसरा, आपका बताऊंगा आपका नेचर कैसा है, और आपको बताऊंगा कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, और लास्ट में शेयर करूंगा आपके साथ रेमेडीज, यानी मीन राशि के जो जातक होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीन राशि वाले किस तरीके के होते हैं। मीन राशि वाले जो लोग हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इनको जो है गुस्सा आता है पर ये शो नहीं करते हैं। ये कब क्या सोच रहे हैं वो भी पता नहीं, जल्दी से पता नहीं लगता। लंबे टाइम तक किसी चीज को ये लोग याद नहीं रखते हैं। दूसरा जो है, ये जो लोग होते हैं ये क्या होते हैं, समझदारी से बात करते हैं। समझदारी अपने अंदर, जो ये लोग जो है अपने अंदर समझदारी रखते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते भी हैं। ये अपने आप को सर्वोत्तम मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ में जो ये सोचते हैं उसको प्रयास करके पूरा भी करते हैं। जो ये लोग सोचते हैं उसको संपूर्ण प्रयास, भरपूर प्रयास करके उसको पूरा भी करते हैं। और इसके साथ साथ में ये लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं। किसी का बुरा करना या बुरा चाहना, ऐसे गुण इनके अंदर नहीं होते हैं, बल्कि भला करने के गुण होते हैं और अच्छाई करने के गुण होते हैं। और इसके साथ साथ में ये लोग जो है मिलन अनुसार होते हैं। बाह्य तरीके का जो इनका मिलन होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही गजब का होता है। भले ही आंतरिक न हो, लेकिन बाह्य मिलन जो इनका होता है, बाह्य जो इनकी वाचाल शक्ति होती है, बाह्य जो इनका व्यवहार होता है, वो इनकी अपेक्षा आउट में ज्यादा होता है। और इसके साथ साथ में ये लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। बाह्य तरीके से कुछ और दिखेंगे और आंतरिक तरीके से कुछ और दिखेंगे, और अपने मन की जो बातें हैं उनको शेयर करने में ये लोग झिझक रखते हैं और करते भी नहीं। इन लोगों को जो है मीन राशि का क्या है, वाटर साइन राशि है मीन राशि। इनको घूमना फिरना पसंद होता है, जैसे जल तत्व वाली राशि है तो ऐसे लोग क्या होते हैं, घूमना, एक जगह ठहर नहीं सकते, यानी इनको घूमना फिरना अत्यधिक पसंद होता है। एक जगह पे रहना इनका जो है मन ऊब जाता है। ये स्टेबल नहीं होते हैं, एक जगह पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। करियर इनका कौन से क्षेत्र में बनता है, ये लोग जो हैं टीचिंग लाइन में इनके लिए बहुत अच्छा फील्ड देखा गया है, प्रोफेसर लाइन में इनके लिए बहुत अच्छा फील्ड देखा गया है, कम्युनिकेशन से रिलेटिव, मैनेजमेंट से रिलेटिव, लीडरशिप यानी किसी चीज को हैंडल करना, मैनेजमेंट करना। 10th लॉर्ड जो इनका है वो गुरु बनता है। सामाजिक कार्य, पुस्तकों से रिलेटिव, धार्मिक कार्य से रिलेटिव, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटिव आदि में इनका जो है बहुत अच्छा देखा गया है, क्योंकि यदि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा इनके लिए देखा गया है, और यदि ये जो है आगे पढ़ने के क्षेत्र में जो है कार्य करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा देखा गया है। प्राइवेट जॉब से संबंधित भी इनका कार्य बहुत अच्छा चलता है। तो ये लोग यदि मन से और तहे दिल से तैयारी करते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये इनके अंदर देखा गया। थोड़ा सा आलस्य भी देखा गया है, लेकिन जब इनको जो है किसी चीज को करना होता है तो आलस्य को अलग करके ये लोग करते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है थोड़ी बहुत आलस्य भी कर लेते हैं। इन लोगों का जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जो है बहुत अच्छा योग बनता है, जैसे टीचिंग लाइन में या प्रोफेसर लाइन में, ये इन लोगों का भविष्य अच्छा देखा गया है। ये लोग जो है आगे पढ़ने के क्षेत्र में जो है किसी तरीके की कोई टाल बराई नहीं करते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर इनके लिए ज्यादातर बहुत अच्छा रहता है। यदि ये बिजनेस करते हैं तो ये दूध से संबंधित, लोहे से संबंधित
और साथ साथ में जो है कपड़े इत्यादि से संबंधित और स्वर्ण इत्यादि से संबंधित भी बिजनेस ये लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इनका रिलेशन कैसा होता है। रिलेशन से संबंधित तो साथियों इनका जो है कभी कभी जो है ये लोग जो है जिनके साथ में अटैचमेंट में होते हैं वो लोग किस तरीके के होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, जल्दी से जो है किसी क्षेत्र में जो है स्थिर नहीं होते हैं, चंचलता उनके अंदर बहुत ज्यादा देखी जाती है। और इसके साथ साथ में पेशेंस लेवल उनका बहुत कम होता है, और इनका चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, किसी चीज को छोटी छोटी बातों पर जो है तकरार हो जाती है, छोटी छोटी बातों को जो है बुरा मान जाना, छोटी छोटी बातों पर जो है फाइट हो जाना, ऐसी स्थिति भी इनकी बनती है। इनका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा तो होता है, लेकिन अगर ये अपने वाणी पर और अपनी सोच पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और छोटी छोटी बातों का जो है बुरा नहीं मानते हैं, तो इन लोगों का जो भविष्य है वो रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रहता है और लॉन्ग टर्म चलता है। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का जो है लक कौन से वर्ष में भाग्य खुलता है इनका, और कौन से वर्ष तक जो है ये सेटल हो जाते हैं। आप लोग जो है साथियों 26 और 27 साल में आप लोगों का भाग्योदय होता है और होना शुरू हो जाता है, और 34 से 35 साल के बीच में जो है आप लोग सेटल हो जाते हैं, चाहे वो विवाह होना हो, चाहे वो संतान होना हो, चाहे नौकरी लगना हो, चाहे प्रमोशन होना हो, एक्स वाई जेड किसी भी क्षेत्र में आप जो है आगे बढ़ने का जो समय है 26 से शुरू हो जाता है, 27 में आपको बहुत कुछ मिलता है, इसके साथ साथ में 34 और 35 साल में विशेष रूप से सेटल हो जाते हैं। तो आप लोगों का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा चलते जाता है और आगे आप लोग बढ़ते जाते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, बशर्ते कि आप लोग जो है किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से निभाएं और अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दरकिनार करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथियों आपकी जो राशि है राशि चक्र में 12वें नंबर की राशि है, और आपकी जो राशि का स्वामी बनता है वो देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी बनते हैं, ज्ञान के दाता हैं, ज्ञान के कारक हैं, तो आप लोगों के अंदर ज्ञान देखा जाता है, गाइडेंस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और साथ साथ में जो है मिलन अनुसार भी होते हैं, लेकिन जब ये अपने पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जिद्दपना भी बहुत ज्यादा देखा जाता है और थोड़ी बहुत नासमझी भी देखी जाती है, जिससे अपना कार्य स्वयं का कार्य अपने आप खराब कर देते हैं। तो साथियों ये जो राशि है जल तत्व वाली राशि है, स्थिर होना इनके लिए थोड़ा सा जो है यानी स्थिर नहीं रह पाते हैं, यदि कोई इनको स्थिर रखने की कोशिश करता है तो दिक्कत में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति मीन राशि वालों की होती है। साथियों आपका जो है विशेषतर यदि देखा गया है कि आपका जो रत्न सूट होता है पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में आप जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सगुरवे नमः का जाप आप लोग कर सकते हैं, अपने अंडर गार्मेंट्स येलो कलर के आप रख सकते हैं, आप पीले कलर से संबंधित चीजों का दान आप लोग कर सकते हैं, सूर्य अर्घ्य आपको डेली देना चाहिए, तांबे के पात्र से उगते हुए सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, और इसके साथ साथ में आपको जो है भगवान विष्णु का यानी विष्णु सहस्रनाम पाठ भी यदि आप कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन गलती नहीं करनी है, पाठ को शुद्ध तरीके से पढ़ना है तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो सारी चीजें हैं यदि आपकी कुंडली में आपका दशमेश, आपका नवमेश, आपका लग्नेश और नवांश चक्र यदि आपका ये सही है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपका प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका जो है संतान होने से कोई नहीं रोक सकता, सब कुछ आपका अच्छा चलेगा। तो ये था साथियों आपका करियर, साथ में 5 सीक्रेट्स और रिलेशनशिप और लक। जी हाँ दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे, हर हर महादेव।